रॉयल राइज डेवलपर्स आपको दे रहा है शहर की सबसे शानदार लोकेशन पर रहने का मौका, क्योंकि हम मकान नहीं घर बनाते हैं, वो भी बेहद कम दामों पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। लोगों को झांसा देकर लूटने वाली दुल्हन और उसके गिरोह का पुलिस ने आज पर्दाफाश कर दिया। हरसूद पुलिस को इस गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता हाथ लगी है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आरोपी इसने बनाए हैं। यह मामला दिसंबर 2020 का है। हरसूद थाना क्षेत्र के ग्राम तोरनिया निवासी केदार पिता राधेश्याम विश्वकर्मा अपनी शादी के लिए कुछ लोगों से मिला था और 40,000 रुपए में उसकी शादी की बात पक्की हुई थी। वो महिला, इन सभी को हमने गिरफ्तार किया है। एक अभी शेष है, उसको हमको गिरफ्तार करना बाकी है। ये 5-6 लोग हैं, इसमें से सब अलग अलग रोल लेके, कभी कोई पिता बनके, कभी कोई लड़की का भाई बनके, और वो बात करते हैं और किसी चीज़ का आवश्यकता बता के उससे पैसा मांगा जाता है, जो पैसा दिया जाता है, उसके बाद उपरांत शादी हो जाती है और शादी के बाद फिर वो दुल्हन, वो जो लड़की होती है, वो फरार हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम, इस पूरे मामले का खुलासा करने में हरसूद थाना प्रभारी अमित कोरी और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। इनके द्वारा अभी पूछताछ में इन्होंने 4 जगह ऐसी घटना करना पाया है, बताया गया है, जिसके बारे में भी तस्दीक की जा रही है। ये पिछले नवंबर दिसंबर में ही 4 जगहों पे बताया, बाकी अभी और पूछताछ की जा रही है। सर, हरदा क्षेत्र और हरसूद के आसपास इस तरह के मामले ज्यादा हो रहे हैं सर, इसको लेकर के? जी बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास भी जो पूरा ये गैंग है, ये भी उसी क्षेत्र से है, हरदा साइड के भी ज्यादा है इसमें, तो कहीं ना कहीं इस तरह का मोडस ऑपरेंडी के लोग वहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं, और जिसके बारे में अगर और कोई सूचना आती है तो उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले संबंधित एक बाहर का भी है। सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? सभी इसमें जो आरोपी हरदा के हैं, एक दो वहाँ के भी हैं, सोलट पुल के भी हैं, तो अलग अलग जगहों के सभी लोग आरोपी हैं इसमें। अभी तक इन्होंने पूछताछ में 2 महीने का जो बताया उसमें 4 घटनाक्रम इन्होंने कराया, लेकिन अभी हम और पूछताछ इनसे करेंगे। इनको जो मेन मुख्य आरोपी है उनको PR पे लेके इसमें अग्रिम पूछताछ की जाएगी, हो सकता है और भी घटनाओं को खुलासा हो। टीम भी अलग करते हैं, कभी कोई वो करेंगे, आपस में लोग अलग अलग उससे संपर्क में आए हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हरदा के इसमें निवासी हैं, हो सकता है वहाँ से इनका ग्रुपिंग बनी हो। बड़ा मामला हो सकता है। अभी हम उसमें देख रहे हैं कि फोटोग्राफ वगैरह शायद उसमें मॉर्फ की गई है, तो उसको हम देख लेते हैं, उसमें फोटो कॉपी ही दी गई है, वो देख लेंगे। सामने आया कि इस तरह की घटना है सर, और कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? थाना हरसूद में एक शिकायत हुई थी जिसमें एक जो फरियादी था उसने बताया था कि उसके शादी के नाम पे कह सकते हैं, या फिर शादी में दुल्हन के परिवार को कुछ आवश्यकता होने पे उससे पैसे ले गए थे, और शादी के उपरांत वो जो जिससे शादी हुई थी वो महिला गायब हो गई थी, और जिससे शादी कराई थी वो सब भी गायब हो गए या फिर हिला वाले स्टार्ट कर दिए थे, जिसके आधार पर इसमें 420 का प्रकरण इसमें दर्ज किया गया था, और जिसमें SDOP और SHO हरसूद ने लगातार इसमें मेहनत करके पूरा डेवलप किया, तो पता चला कि एक गैंग इस तरह का काम कर रही है जो कि लगातार ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जिनकी जो अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, उनको टारगेट करके उनको किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे ऐड करके, और वो महिलाएं चली जाती, गायब हो जाती हैं, तो उसी तारतम्य में ये घटनाक्रम उन्होंने अंजाम दिया था। और इसमें हमने अभी तक 6 आरोपी बनाए, जिसमें से 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 आरोपी अभी गिरफ्तारी शेष है, और इसके इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने पिछले नवंबर से लेकर अभी तक अलग अलग जगहों पे इस तरह के 4 अन्य घटनाक्रम भी कर रखे हैं, जिनके बारे में भी अभी आगे विवेचना में उसको सम्मिलित करके, और अगर कहीं FIR वगैरह हुई हो तो उसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो आरोपी हैं उनके नाम जगदीश हैं, निवासी पटाखाली, शकील पिता शरीफ, वकील पिता शकील, शरीफ पिता अहमद, पूनम पिता चंपालाल, और जो महिला उसका परिवर्तित नाम हमने आप इसमें दिया हुआ है, इन सबको इसमें आरोपी बनाया गया। अभी वेचना इसमें पूरे प्रकरण वेचना अंतर्गत है। बिल्कुल ऐसा हमें फरियादी ने बताया कि उस संभवतः जो आधार कार्ड है उसमें भी कुछ छेड़छाड़ की गई, जिसको वेचना में सम्मिलित किया गया है, या तो फोटो उसमें शायद बदली गई है, या फिर उसका कुछ। खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।